जितनी अच्छी मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, मैं टायर चेंज करके भी दिखाऊंगी। जी सुनील साहब, ड्राइवर की चेंज हो गया एकदम। ड्राइवर इसलिए चेंज हुआ कि टाइमिंग थोड़ी खराब हो गई थी। अच्छा, इंसान मेरा इशू ये है कि मैं ना बिल्कुल ही भुड़क्कड़ आदमी हूँ, और मैंने तीन काम एक टाइम पे करने होते हैं, और एक रिव्यू शूट होना था, वो भी हाँ कहा हुआ था तो वो भी नहीं मना हो सकता था। फिर वो दोस्त आ रहे हैं, उनको भी कहा था कि उनको पिक करना है, लेने जा रहे हैं, ठीक है वो भी कर लेते हैं। तो हमने कहा फिर पैरेलल वर्किंग करनी चाहिए, स्मार्ट वर्किंग, बजाय मेन रोड पे रिव्यू बनाते रहें। हमने कहा एयरपोर्ट की जानिब चलते हैं और रास्ते में साथ साथ रिव्यू हो जाएगा, टू इन वन काम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मैसेज आ गया लैंडेड, तो लैंडेड के बाद बाहर आने में 5 मिनट लग जाएंगे, होपफुली विल मेक इन टाइम। यहाँ पे इन्होंने सड़क पे बड़े मजे का एक वो लगाया हुआ है, स्पीड गन लगाई हुई है। सो अभी हम जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप ओवर स्पीड हैं तो वो रेड शो करेगा, अगर आप स्पीड के अंदर हैं तो वो आपको ग्रीन शो करेगा, जो कि इनकरेज करता है लोगों को कि गाड़ी तमीज से चलाएं। सो ये एक लगा हुआ है, देखिए हमारी स्पीड है 57, 56, 60 के अंदर अंदर है, और ग्रीन तो वो ग्रीन है, अगर हम उससे ऊपर होते तो वो रेड होता। तो ये एक ऐसा तरीका, कोई चलान नहीं करे, बट लोगों को साइकोलॉजिकली कि आप तमीज़दार इंसान है, एक अच्छे शहरी हैं, तो आप खुद ही तमीज़ से नीचे कर लेते हैं। हमारी दोस्त हानी ताहा हैं जो हमारे साथ वीडियोज में भी आती रही हैं और अभी मजीद वीडियोज में भी आएंगी, तो वो लाहौर आ रही हैं, तो हमने कहा चले जो ब्लॉग बन रहा है साथ साथ वो भी कवर करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आज वो लाहौर के बारे में या जनरल ट्रैफिक के डिफरेंस से उनसे टेल भी पूछेंगे, बिकॉज शी इज बीन ड्राइविंग हियर अब्रॉड आल्सो और इधर भी चला रही हैं, तो क्या उनको फील होता है लाहौर आने के बाद, लाहौर की ट्रैफिक में, कराची की ट्रैफिक में क्या क्या जो है ना वो चेक करें, कितना डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये, गिरेगा और ये जब गिरेगा तो ये आपको और मुझे सबको साथ ले जाएगा, और फिर वही डायलॉग आएगा कि जी गरीब नु मारता, गरीब दी मार हो गई। वो बस ये तो हमारे यहाँ पे रूल ही है ना कि अगर आपसे बड़ी उम्र का बंदा है और वो गलत चला रहा है, आप उसको बताएंगे आप ये गलत कर रहे हैं, तो वही तकरीर आएगी जी बदतमीजी कर रहे हैं। अगर उसकी गाड़ी आपसे छोटी है तो फिर वो आपको ताना मारेगा कि जी बड़ी गड्डी से बैठे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब ये देखें भूल भुलैया, ये अभी भूल भुलैया, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट वो बंदा कहाँ पे खड़ा गाड़ी रिवर्स कर रहा था, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, अब हमने जाना है अराइवल पे, ठीक है जी, अगला वाला लेफ्ट। अब जब मैं यहाँ से लेफ्ट होगा वो देखें दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, एक डेड कॉर्नर है जहाँ वो ऑल्टो जा रही है, जब मैं यहाँ से एंटर हो गया वो डेड है, मैं यहाँ से एंटर हुआ वो रिवर्स आ रहा है यहीं से मेन पे, अंदाजा कैसे होगा यहाँ से रिवर्स आ रहा था, पता नहीं उस दिन में बहुत ही आहिस्ता था इसलिए मैं इस तरफ से काट रहा हूँ कि वो भाईजान मेन पे आ रहे थे। मैं तो बहुत खतरनाक है भाई, मैं बता रहा हूँ अकल नहीं है, अभी देख मास्क बेच रहे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखा एक दो दफा, हमने एक नया चैनल बना दिया व्लॉगिंग का, जिसमें हम डेली लाइफ कुछ भी हो रहे अब करते, गाड़ियों के तो रिस्ट्रिक्टेड थी ना, गाड़ियों से बात करें, अब हम हर चीज कर लेते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं जो कर रहे हैं हमें डाल दो। और सीरियस नोट में तो पूछ लगा था कि तुम मीडिया से काफी अरसे से रिलेटेड भी हो, जर्नलिज्म में भी काम किया, सारा कुछ किया, बाहर भी गए, दुनिया देखी, तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बन रहा है जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, उस तरह की तरफ क्यों नहीं कभी ट्राई किया? इट्स नॉट मी, आप मुझे इतने अरसे से जानते हैं, रोबोट की अंगड़ाई ली, एक वीडियो डाली, मिलियन लाइक्स आ गए, साढ़े वर्ग ने तो मेहनत करनी पड़ी। आई नो, आज जो है ना मुझे कोई वो हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब इवेंट्स बड़ा ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनकी शादी थी कल रात, वहां से मैं आ रही हूँ, वही कह रहा था यार ये जिस किस्म के लोग इतने फेमस अरबपति हुए हैं, मैं कहा यार वो एक उनका अपना टैलेंट है, नहीं मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, वो कंटेंट मैं बना ही नहीं सकती, बिकॉज़ इट्स नॉट मी, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई फील यू आर वेरी सक्सेसफुल इज बिकॉज़ यू आर ऑथेंटिक, राइट? इस किस्म उनको पता है कि आप कुछ बन रहे नहीं है। अब मुझ जैसी औरत अगर कुछ इस किस्म का काम करेगी तो साफ लगेगा कि नहीं यार ये तो बनावट ही नहीं होना चाहिए, वो मेरा कैरेक्टर नहीं हो, मेरी पर्सनालिटी नहीं। अगर मैं पोएट्री थिएटर कुछ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर लूँ तो जो लोग मुझे जानते हैं इतने अरसे से उनको पता है हाँ भाई ये तो ठीक थी, ये तो पूरा साल उन्होंने लम्ब में भी पूरा वक्त लाइब्रेरी में ही गुजारा है, कोई भी किसी को तालीम दे सकता है। और ये आई थिंक ये हमारे कौम का बड़ा प्रॉब्लम है कि हम तू कौन होता है मुझे बताने वाला, एंड देयर इज नो एज बैरियर इन लर्निंग, आपको कभी भी कुछ सीखने को मिल सकता है, एग्जैक्ट, नो एज बैरियर, नो क्लास बैरियर, नो ऑक्यूपेशनल बैरियर। एक मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, मैं तुम्हें लास्ट टाइम मोटरसाइकिल सिखाई थी, एब्सोल्युटली आती है भूल गई, आप तो मुझे बहुत कुछ सिखा चुके, आ गई भूल गई, नहीं मैं सोच रही थी अब मैं आ गई हूं रिफ्रेशर हो जाए, रिफ्रेशर हो जाए, चलो अरेंज करते हैं कल बाइक फिर, ताकि अगर गोड़ा गिटा टूटे तो लाहौर में जमा कराए, मियां तुम्हारा पहले इधर है, उसने जो कोर्स करना है उसको पता लगेगा, उसको पता लगेगा कोर्स के चक्कर में और कोर्स हो गया,
वैसे हाँ लम्स के अंदर भी कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है, इसलिए क्योंकि हम अलमना है और हमें मुफ्त का ट्रीटमेंट मिलेगा नेशनल अस्पताल से अगर लम्स में गिरे पड़े तो। We had a great time on set. और मेकअप आर्टिस्ट को जैसे हम इज्जत नहीं देते कि भाई वो तो हमारा गुलाम है, वो सबसे पहले आएगा और वो ख्वार होगा, वो बेचारा कुछ खाएगा पिएगा भी नहीं, आखिरी तक वो बैठा है आपकी खिदमत के लिए, हाँ ठीक है। I love makeup artists. I get to learn so much from them. वो आपको सिखाते हैं। मुझे जैसे लाइट और कैमरा पकड़ना नहीं आता, ये एक टर्म है टेलीविजन की, क्योंकि मैं थिएटर की एक्टर हूँ ना, तो वो अगर आप उस किस्म के इंसान हैं जो किसी और की एडवाइस भी लेना चाहें और समझें, तो वो बताएगा कि देखो तुम्हारी स्किन टोन के हिसाब से ना तुम ये करना चाहिए। यू मैं अभी एक ड्रामा सीरियल कर रही हूँ, इतना बड़ा नाम है, एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम इज कि वो कॉन्स्टेंटली आपको सिखा रहे होते हैं। अब जैसे ये चीज़ मुझे नहीं आती तो वो इस बात का बुरा नहीं मानते ना, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने कहा देखो तुम अगर हम क्लोज शॉट करें ना, तुम एक आंख में देखो या लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, डिसाइड कर लो और कोशिश ये करो कि जो कैमरा तुम्हारी आंख के करीब है तो उस वो वाली आंख पकड़ो। मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी। फिर वो इतना बड़ा फनकार, उसकी मतलब एक फिल्म की एक पूरी जर्नी है, टेलीविजन की अब है, एक ही इज एन आइकॉन एंड अ लेजेंड। जब भी मैं आपके पास आई हूँ, गाड़ी की बैटरी का कोई मसला हुआ, मैं बहुत पैनिक कर गई थी एक दो दफ़ा, तो अंधेरा भी था रात के वक्त ना, बिल्कुल ही वो एयरपोर्ट रोड से पहले, तो इतना तो समझ बूझ हो ना कि आप पैनिक ना करें, बेसिक चीज़ें कर लें, इतना कि वो जंप केबल होना चाहिए, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप इतनी गाड़ी चला पाएं कि चलो अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन है तो आप उधर से निकल के नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन तक तो पहुंच जाएं। अच्छा, मैनुअल गाड़ी चलानी आती है? मैनुअल पे मैंने सीखा था लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कम्प्लीटली। कितने अरसे में सीखा था और कैसे सीखा था? मैं तो ड्राइविंग स्कूल से सीखा था। अच्छा, कितनी क्लासेस? कॉलेज से ग्रेजुएट करके अब तो याद नहीं है, शायद एक महीना पूरा सीखा होगा ऐसे, आई थिंक उस महीने के पूरे कोर्सेज होते थे ना। अच्छा, सही होता है। अभी भी मुझे सीखा कराची में सीखा था या बाहर सीखा था? कराची में सीखा था, बाहर भी सीखा क्योंकि बाहर रही तो क्या, बाहर का लाइसेंस भी लिया? बाहर का लाइसेंस भी लिया था क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस के बगैर बंदा चला नहीं सकता। लॉस एंजेलिस में जब मैं थी तो कैलिफोर्निया लाइसेंस था जी मेरे पास। लोग फ्लेक्स करते हैं बाहर का लाइसेंस, जब यहाँ रोकते हैं तो बड़ा फ्लेक्स करते हैं। एक्चुअली मेरा बड़ा लाइसेंस, मेरा एक बड़ा अच्छा अच्छा, इतनी सबकी ना इतनी पुटी पुटी तस्वीरें आती है ना, वैसे तो तस्वीर चक्कर में इतनी खुश हूँ, ये लम्स वाली भी अच्छी है वैसे, लेकिन तो खैर आप बात शुरू थी कि मैं ये बात कर रहा था कि नई चीज सीखनी चाहिए नहीं। सो जिस तरह सोशल मीडिया हो गया, जिस तरह ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में मैं बड़ा शुरू में क्रिटिसाइज करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मुझे लगता था कि लोग जो है ना उसमें बिला वजह को टैलेंट नहीं है, सिर्फ वॉक कर लिया और बना लिया, या उसका गलत इस्तेमाल था। देन आई सडनली रियलाइज कि देखो दुनिया में गन भी बनती है, उससे आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, आप गोली को भी मार सकते हैं। बिल्कुल, इसी तरह जितनी भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है इसको आप पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना फिर टिकटॉक अकाउंट बनाया और हमारा टिकटॉक मिलियन से ऊपर है, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लें। हम वहाँ पे कोई डांस करना नहीं सिखाते, हम पे कोई वॉक करके नहीं सिखाते, ना हमारी कोई शक्ल ऐसी है कि हम उस पे जो है आके यूं यूं एंगल मारें। सो हमारा मकसद ये होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, वही जो हमारी फील्ड है, गाड़ी के बारे में, टोकन के बारे में, लीगैलिटीज के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, एंड वी फाउंड आउट कि यार वाकई लोगों को इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स बिल्कुल है, पता है लेकिन कितने लोग कंटेंट भी बनाते हैं लेकिन द रीजन व्हाई यू आर सो पॉपुलर इज वही वाली बात है कि एक इंसान को पता है कि एक सच्चाई से, एक ऑथेंटिसिटी से एक काम हो रहा है ना। अगर मैंने वो I don't feel I feel people can pick up हर अब बच्चे को भी समझ में आ जाता है जब आप insincere हो रहे हो। मैं फरहान साहब से इसलिए नाराज हूँ कि फरहान साहब ने पूरा एक साल मुझे लाले लपे दिए, मैं तुम्हारा शो देखने मैं ऑफकोर्स तुम्हारा प्ले देखने आऊँगा, फैसलाबाद तक आपका प्ले ले जाएंगे, मेरी अम्मा से भी बात करवाई, खुद नहीं आया। और फरहान साहब बहुत बड़े स्टोरी मास्टर हैं, उन्होंने जो जो बोला झूठ है, इसलिए देखें बिजली भी चली गई। फ्रॉन्ट भी आ गए हैं आप। हम नहीं जानते इनको। क्यों नहीं जानते? ये कौन जनाब है? मैंने आपके लिए एक सरप्राइज एक चीज बनाई। अब क्या आपने सरप्राइज बना लिया मेरे लिए? वो पिछली दफा बहराम ने आपके साथ वो गलत किया था कि जो है व्लॉग को शेल्फ कर दिया था। अच्छा, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। अभी हमने रास्ते में तीन वीडियोस प्लान किए हैं। अच्छा, एक तो मैंने नहीं, मैंने व्लॉग जो है वो चैनल बना दिया आपके लिए, लावा आ गया आपके लिए, स्पेशल आपके लिए बना रखा है स्पेशल। आप मेरी एक चीज पे भी नहीं आए। मैं कह रहे हैं ताड़े लिए रखे ना ले जो। ट्रबल शूटिंग गाड़ी की कैसे करते, हाउ टू चेंज टायर, हाउ टू चेंज टायर, हाउ टू जंप, यू विल हैव टू डू इट फिजिकली। वो ऑफ कोर्स, और कैसे सीखेगा बंदा, वही तो सारी बात है। खवातीन को कल का टाइम फिर करें। फरहान साहब ने सुने सारे प्ले देखे आपके और हाँ। बहुत फैन है आपके, बहुत बड़े मतलब ये कूलर बन चुके हैं फैन के।
जितने इन्होंने आपके प्ले देखे हैं पूरे साल भर मैंने परफॉर्म किया पूरे साल भर जितने इन्होंने आपके प्ले देखे हैं उतने ही पार्क बीच के इवेंट अटेंड करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हर वीकेंड पे लारा लगा के चले जाते हैं फैसलाबाद चाट मसाला हमारे पास और पड़ा नहीं नहीं देखा मैंने इसलिए ये जो है ना ये आजकल कोई नया सिस्टम चल गया है राजा साहब की कंपनी के डॉक्यूमेंट खराब ही ना हो जाए आपका ड्रामा कब आ रहा है मैं रोज करता हूँ रोज करते हैं किस टाइम देना चाहते हैं आप सुबह के टाइम दोपहर के टाइम लावा इज जो है ना ये गवाह हम कई ड्रामे करते हैं दिन में उसके अलावा हम कोई ड्रामा नहीं करते भाई वो टैलेंट और है हमें जो आते हैं वही कर सकते हैं बात यही है ऑथेंटिक गम टीवी पे हाँ फ्रांस आपने जो है ना कामयाब कैरियर टिप्स दे दी हैं कि आप साइकिल कैरियर लगवा लें वैसे तो आपका कैरियर में तबाह करके छोड़ूंगा तीन चार एडिट करके फ्रांस साहब ने ना टोटल उसकी मेहनत को तबाह कर दिया कि आप नापा गई क्यों गई आप सिंपल एक टिकटॉक बनाती टेढ़ा चलती और यूं बाल फेंकती तो आप इस टाइम मशहूर हो चुकी होती तो अब ये गौर कर रही है कि फ्रांस साहब की बातें माने या ना माने लेकिन हमारी बात मान लेगी हम इसको जाके भी सिखाते हैं कि गाड़ी का टायर कह रहा हूं कि जो खवातीन है उनकी हेल्प करनी चाहिए उनको अक्सर ही टायर नहीं चेंज करना आता आज फ्रांस साहब ने ये वादा किया है कि एक दफा तुम्हें स्पोर्ट्स कार देंगे इसलिए फ्रांस साहब ने कहा एक दफा पनौती स्पोर्ट्स कार अगर लगी तो क्या होगा सर वो मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस करा लेता हूँ पार्किंग से उसके बाद दे दूंगा मेरी आप ट्रांसफर शुरू हो गया मेरी आप ट्रांसफर करा देना तो उसके बाद इंश्योरेंस हो जाएगी सर मैं मुल्तान गया था परसों आप बताते लावा मुल्तान पीछे पड़े थे आप टास्क देते सर अभी टास्क दे दिया मुझे पता है आपने पैक कर लेने उसमें रह जाने नहीं सर डन डन करते हैं हमें टिकटॉक फेसबुक हर जगह फॉलो करते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव रील्स आने वाली हैं ये उनको फॉलो करें आप उनको फॉलो कर लें ना और हनी डॉट ताहा को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ये कह रहा था गलत एड्रेस बताने वालों को जो है ना बिल्कुल एक अलग और ये फेमस जर्नलिस्ट है इनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं वॉइस पे जाके सर हाथ पकड़ा दें आपको मैं अंधे भाइयों का प्रोग्राम अंधे भाइयों का प्रोग्राम चले 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 इमरान भाई चल रहे हैं इधर ही हो हम आ रहे हैं बस पे सड़क कौन है तेरा क्या पता नहीं चलना आपको अंधे को रास्ता दिखाओ पाप बचेगा अंधे को रास्ता दिखाओ पाप बचेगा अच्छा जी कौन सी गाड़ी का टायर चेंज करेंगे ऑल्टो ऑल्टो में होता नहीं है उसमें वो होती है हवा का पंप होता है करोला में ले आते हैं सर आरएक्स में क्या करता है तो अच्छा करोला का करते हैं ना सानी कार आपके पास है कोई नहीं इसमें भी जैक तो होगा स्पेयर टायर नहीं तो जैक तो है यहाँ वही उतार के दोबारा के आगे पीछे करते हैं हां आगे पीछे कैंची मार देंगे ना नहीं 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 करोला ही करते हैं चाचा मेरी वाली गाड़ी की चाबी लाएं जब से पहले जैक लगाने से पहले ढीला करेंगे और जैक लगाने के बाद जब आप इसे बदल डालेंगे तो गाड़ी गिर सकती है टायर पंक्चर हो गया लेकिन जितनी अच्छी मैं गाड़ी चलाती हूँ ना मैं टायर चेंज करके भी दिखाऊंगी आ जाओ सुनील साहब ने कहा था इसको पहले फिक्स करना होता है यहाँ वेरी नाइस अच्छा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है तो पहले तो हमने इनके जो नट्स खोल रहे हैं इनको सिर्फ पूरा नहीं खोलना है थोड़ा ढीला करना है देखें हमने ऊपर कर दिया इसको नीचे देखें टायर इतना एलिवेटेड है ऊपर है हवा में सही है अब हम इसको निकालते हैं और ये निकल आया सक्सेस ठीक है ये रहा पहनो इसको इसमें फिक्स करना है देखें कैसे कर रही हूँ ये जो ऑपोजिट ऑपोजिट नट हम टाइट कर रहे हैं इसलिए ताकि बैलेंस रहे और पूरा कम्प्लीटली इसलिए नहीं हम टाइट कर रहे हैं थोड़ा सा थोड़ा ढीला छोड़ेंगे वरना जैक पे वजन ना आ जाए ठीक है तो अब आप देखें ये भी थोड़ा सा कम्प्लीटली नहीं है अंदर इसको लगा रही हूँ अब हम इन सबको टाइट करेंगे हो गया ना बड़ा आसान था चलो टूल्स उठाएं गड्डी में रखें और चलते बने मेरी मुश्किल तो आसान हो गई लेकिन आपने अपनी मुश्किल भी खुद ही आसान करनी है ना खुद मुख्तार बनना है पार्क व्हील्स की वीडियो देखें मैं और कंटेंट बनाऊंगी क्योंकि लड़कियों का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है ना लड़कों से तो वो चीज़ें हमें एक साथ करनी चाहिए